हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी जो GSTR 3B की रिटर्न है, नील रिटर्न, आप उसको SMS भेजकर कैसे फाइल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। अब हम अपनी GSTR 3B की जो नील रिटर्न होती है उसको एक SMS भेजकर भी फाइल कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपके GST डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब जो आपका GST नंबर है उस नंबर में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अगर आपका मोबाइल नंबर GSTIN में रजिस्टर्ड है तो आप अपने नील GSTR 3B रिटर्न आप SMS भेजकर भी फाइल कर सकते हैं। SMS भेजने के लिए हमें सिंपल 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे और आज उन्हीं 4 स्टेप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमें SMS भेजना है वो किस नंबर पर भेजना है। तो हमें SMS भेजना है इस नंबर पर। स्टेप नंबर फर्स्ट में हमें SMS भेजना होगा और SMS की कोडिंग कुछ इस तरीके से होगी। जो आप SMS लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, नील, उसके बाद आप स्पेस देंगे, फिर रिटर्न का टाइप जो रिटर्न आप फाइल कराने वाले हैं, उसके बाद आप फिर से स्पेस देंगे, फिर अपना GSTIN नंबर लिखेंगे, उसके बाद फिर आप स्पेस देंगे, उसके बाद फिर रिटर्न पीरियड। तो ये कुछ इस तरीके से आपका SMS बन जाता है, नील उसके बाद स्पेस फिर 3B फिर स्पेस फिर अपना GSTIN नंबर फिर स्पेस और उसके बाद आपका पीरियड। पीरियड 02/2019 लिया है मैंने, इसका मतलब हुआ फरवरी 2019। उसके बाद जब आप ये मैसेज भेज देते हैं तो आपको जो GST डिपार्टमेंट है एक वो कोड देगा, वेरिफिकेशन कोड। अगर ये आपका मैसेज ठीक होगा तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा आपके मोबाइल नंबर पे। फिर आप जो वेरिफिकेशन कोड आपको मिला है आप उस कोड को दोबारा से इसी नंबर पे सेंड कर देंगे। और सेंड जब आप इस नंबर पे करेंगे तो उसका फॉर्मेट रहेगा CNF, उसके बाद स्पेस देंगे आप, फिर रिटर्न का टाइप लिखेंगे, उसके बाद फिर स्पेस देना और फिर वो कोड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने बना के दिया है आपको SMS, CNF, उसके बाद स्पेस फिर 3B, फिर जो आपको स्पेस देने के बाद जो आपको कोड मिला है वो कोड आपने यहाँ पे डाल दिया। और जब ये आप ये कोड सेंड कर देते हैं और अगर जो वेरिफिकेशन कोड था वो ठीक था तो आपको आपका ARN नंबर जनरेट हो जाएगा। मतलब आपकी जो SMS जो रिटर्न है वो फाइल हो चुकी है और आपका ARN नंबर जनरेट हो चुका है। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपको नील रिटर्न फाइल करनी है SMS के थ्रू, अगर उसके लिए आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस ये जो मैसेज है हेल्प 3B, इसको आप भेज सकते हैं इस पर और आपको जो हेल्थ से संबंधित मैसेजेस है वो मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम किस तरीके से मैसेज भेजेंगे। तो ये लाइव डेमो है, मैंने मैसेज भेजा इस नंबर पर, नील 3B मुझे फाइल करनी थी, नील लिखा मैंने, स्पेस दिया 3B, फिर मैंने अपना GSTIN नंबर डाला और पीरियड डाल दिया और मैंने मैसेज यहाँ पे भेजा। उसके बाद मुझे वेरिफिकेशन कोड मिल गया कि ये मेरा वेरिफिकेशन कोड है। मैंने दोबारा से क्या करा, CNF लिखा, स्पेस दिया 3B और फिर जो मेरा वेरिफिकेशन कोड मुझे रिसीव हुआ था वो कोड मैंने फिर से भेज दिया और उसके बाद मुझे जो ARN नंबर है मेरा जनरेट हो चुका है। मेरे को मैसेज आ गया कि आपकी जो GSTR 3B जो रिटर्न थी नील वाली वो फाइल हो चुकी है और आपका ये आपका ARN नंबर है। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप और किन टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक्स फ्रेंड।